नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं, देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है इस वक्त, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। आपको लाइक ज़रूर करना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है इस वक्त, वो क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग में, देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा। एक कार्ड हमें यहाँ पर मिल चुका है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर खूबसूरत कार्ड है कि कर्मा इज ऑन योर साइड। जिसने भी आपके साथ गलत किया है उसकी तो अब खैर नहीं है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा। ओके, एक कार्ड हमें और मिल चुका है और यहाँ पर है जिस तरह से आप एनर्जी आई है। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि आप जिस इंसान के बारे में अभी इस वक्त सोच रहे हो, आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो उस व्यक्ति से, बहुत ज़्यादा, ठीक है। इस इंसान ने जो तकलीफ आपको दी, जो धोखा आपको दिया, या किसी किसी का ऐसा हो सकता है कि बहुत इंसल्ट किया आपका, आप दोनों एक दूसरे से दूर हो फिर भी आप दिल से एक दूसरे के बहुत करीब हो। ना उनके दिल से आप जा रहे हो, ना आपके दिल से वो जा रहे हैं। एंजल अभी इस वक्त आपको क्या बताना चाहते हैं, एंजल की तरफ से क्या है आपके लिए। ओके, प्रोटेक्शन की एनर्जी है यहाँ पर। ऐसा कुछ हो सकता है कि जहाँ पर आपको खुद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, कोई जैसे कि आपकी एनर्जी को चुराता है बार बार, या आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है या किसी और की हो सकते हैं, खुद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। कुछ बातें आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, कुछ बातों में आप अटक रहे हो, कोई नेगेटिव वो कुछ नेगेटिविटी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, और मोटिवेशन की आपको ज़रूरत है। हो सकता है कि आप हिम्मत हार रहे हो, या कुछ बातों के लिए आपका खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, या अगर आपके परिवार के साथ आपकी बनती नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और लोग आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, तो आपको खुद को ही समझना पड़ेगा, ठीक है। किसी की चालाकियों को आपको खुद को ही समझना पड़ेगा, कि जो हाईएस्ट पोटेंशियल है आप फुलफिल कर सकते हो। कुछ लोग आप ऐसे हो सकते हैं, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हो, या आजकल आपको इंटरेस्ट आ रहा है स्पिरिचुअलिटी में, या आप पहले से ही स्पिरिचुअल हो, खुद के अंदर बदलाव नजर आएंगे, आपको एक करेज तो आएगा ही आएगा। इंसान में एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की भी बहुत जरूरत होती है। जब आप किसी शक्ति को मानते हो, जब आप विश्वास करते हो कि हाँ आपके साथ वो शक्ति कभी बुरा नहीं होने देगी, कोई कितना भी आपका बुरा करने की कोशिश करे, कोई ऐसी शक्ति है, कोई पावर है जो आपका कभी बुरा होने नहीं देगी। ये जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जब इंसान में आती है ना, तो अपने आप करेज भी आना शुरू हो जाता है और बातें आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। एयर साइन हो सकते हैं आप में से कुछ लोग, एरीज हो सकते हैं। ऑरेंज कलर आपने शायद अभी पहना है, या ऑरेंज कलर के कपड़े आप हमेशा पहनते हो, आपको अच्छा लगता है, आपके ऊपर जचते हैं। लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी हो सकते हैं आप में से कुछ लोग, कुछ नेगेटिव इशू ने जैसे घेर लिया है, और आपको उस नेगेटिव इशू से, उस बातों से, जो भी नेगेटिविटी है आपके लाइफ में, उसे लेट गो करना है। कुछ पेनफुल मेमोरीज है आपकी जिससे लेट गो करना आपके लिए बहुत जरूरी हो सकता है। पास्ट में आप इतने मैच्योर नहीं थे और आपने कुछ गलतियां कर दी, आज भी आप उसी गिल्ट में जी रहे हो। दुनिया तो वैसे भी आपको माफ नहीं करने वाली, लोग तो आपको नाम रखेंगे ही रखेंगे अगर आपसे कुछ गलती हुई। गलती से भी कुछ गलती हो जाती है, उस गलती के बारे में हर कोई बात करेगा। जब बात आपकी अच्छाई की आएगी तो कोई बात नहीं करेगा, बात आपकी बुराई की आएगी, जिनको कोई अक्ल नहीं है, जिनके अक्ल पर पत्थर पड़े हैं, वो भी बात करना शुरू करेंगे जब बात आपकी बुराई की आएगी। कोई बहुत बड़ी गलती नहीं करी आपने, कोई छोटी सी गलती करी है और उसी गलती को आप बहुत ज्यादा रिग्रेट लिए बैठे हो। लोग तो कितनी बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं, घमंड दिखाते हैं, और आप छोटी सी गलती कर दी आपने और आप खुद को ही दोष दे रहे हो। अगर ऐसे कुछ लोग यहाँ पर है तो आपको पहले उस गिल्ड से बाहर निकलना है। वो एंजेलिक पावर है आपके पास, कोई भी आपको हार्म नहीं कर सकता, कोशिश करने के बाद भी नहीं कर सकता। कुछ लोग आप ऐसे हो सकते कि आप कुछ स्पिरिचुअल वर्क करना चाहते हो और आने वाले समय में आप करने वाले हो। कुछ लोग आप ऐसे कुछ चैरिटी करना चाहते हो, कोई दान करना चाहते हो आप जरूरतमंद लोगों को। तो इस कार्ड को हटा देते हैं साइड में। जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया, फटाफट आपको लाइक करना है। इस फ्लेम के ऊपर आपको फोकस करना है, अपने पर्सन के बारे में सोचना है, देखते हैं इस वक्त उनके दिल का हाल क्या है, क्या कुछ सोच रहे हैं वो आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। जो कुछ भी होगा ना, आपके फेवर में होगा, क्योंकि आपने संसार के लिए जो अच्छा किया है,
अब उसका रिवॉर्ड आपको मिलने जा रहा है। और इस इंसान ने जो गलत किया है, अगर आपको हर्ट भी किया है, तो अब उसको उसका रिवॉर्ड तो मिलना ही है। जो लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं तो बहुत जल्द आपके पर्सन ट्रैवल कर सकते हैं, और वो बहुत ऐसी एनर्जी के वो आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं। या बहुत लोग ऐसे कि वो जॉब को लेकर ट्रैवल करना चाहते हैं, कि पर्सन ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको बार बार ट्रैवल करना पड़ रहा है। या कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं, भागदौड़ हो रही है उनकी। अब इस वक्त आपके पर्सन के दिल का हाल कुछ ऐसा है कि भले उनकी भागदौड़ हो, वो किसी भी काम में हो, उनके दिमाग में, उनके दिल में आप चलते रहते हो। वो इंसान आपके साथ भले अच्छा किया हो उसने, भले बुरा किया हो उसने, चाहे जो भी सिचुएशन रही हो आपके रिश्ते की, लेकिन इस इंसान के ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन गए हो आप, और वो इस बात को डिनाई नहीं कर सकते। वो जहाँ भी हो, जैसे भी हो, जिस भी हाल में हो, ऐसा कोई दिन नहीं गया है कि इंसान आपको याद नहीं करते हैं, और आज भी आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि आपके पर्सन के आसपास कोई कपल हो सकते हैं, हो सकता है किसी की शादी हुई हो उनके घर में, आपको इमेजिन कर रहे हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन बनी है कि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं दूसरों की जोड़ी को देख कर। इस इंसान ने आपके ड्रीम बहुत देखे हैं, आज भी आपके पर्सन के आंखों के सामने, चाहे दिन में भी हो, ये इंसान आपके ड्रीम करते रहते। ये इंसान कोशिश कितनी भी कर ले, इस इंसान की नज़रों से आप कभी हटते नहीं हो। इस इंसान के दिल में आप हो, इस इंसान की नज़रों में आप हो, इस इंसान के दिमाग में आप हो, हर जगह बस आप ही आप छाए हुए हो। और इस इंसान को पता है कि आपने जो इस इंसान को प्यार दिया है, आपके पर्सन मानते हैं इस बात को कि आज उस इंसान की ज़िंदगी में जो भी बदलाव है वो आपकी वजह से है। वो ईमानदारी से इस बात को अब मान रहे। हो सकता है कि पहले वो मैच्योर नहीं थे, पहले कुछ बातों को समझ नहीं रहे थे, या अगर पहले आप मैच्योर नहीं थे, आपने कुछ बोल दिया है, कुछ गलती कर दी है, तो उस बात को भी वो समझ रहे हैं कि ठीक है, जो होना था हो चुका है। लेकिन अगर आप ऐसे ही दोनों एक दूसरे से दूर रहते रहें, अड़ियल जैसे बात नहीं करोगे, तो कभी चीज़ें ठीक नहीं होने वाली। और दोनों भी एक दूसरे को बेहद याद करते हो, तो ये दूरियाँ क्यों? ये सवाल आपके पर्सन को आज बार बार आ रहे हैं कि चाहते तो दोनों भी हैं। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि जैसे कि वो किसी और सिटी में जाना चाहते हैं, या किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि आप दोनों की मुलाकात बहुत दिनों से हुई नहीं है, और आपके पर्सन चाहते कि वो आपको देखे, आपसे बात करे, कुछ तो आपको गिफ्ट देना चाहते हैं। वो आपको लकी बहुत मानते हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि जब तक आप उनके साथ थे तो सब कुछ चीज़ें पॉजिटिव हो रही थी, सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा था उनकी ज़िंदगी में। किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को ये फील हो रहा है बार बार कि आप उनके लिए एक लक लेकर आते हो। जब भी वो आपके साथ होते हैं, जब भी वो आपके कांटेक्ट में होते हैं, तो लक उनके साथ चलता है, सब कुछ आसान सा होने लगता है, या इस इंसान को हिम्मत आ जाती है, हर चीज़ आसान लगने लगती है। हो सकता है कि आपके पर्सन वाटर साइन है, या आप भी वाटर साइन हो सकते हैं, एक अटैचमेंट भी यहाँ पर है। हो सकता है किसी किसी के लिए तो इस इंसान को इतनी ज़्यादा अटैचमेंट है कि उसके चलते आप दोनों में बहुत झगड़े हो रहे थे, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। अपनी इच्छा के अनुसार ये इंसान आपसे बर्ताव करवाता था कि तुम ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, हर चीज़ में इस इंसान की मर्जी चलती थी। किसी किसी के लिए आपके पर्सन का ऐसा लगता है कि जैसे कॉम्पिटिशन है कोई, उनको ऐसा लगता है कि आपके लिए बहुत रिश्ते आ जाएंगे, कोई भी आपसे शादी कर लेगा। और तभी एक इनसिक्योर भी आपके पर्सन है, बोलना बहुत कुछ है लेकिन एक अड़ियल जैसी बात है यहाँ पर। इस इंसान को ना घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता होगा, पहाड़ों पर घूमना अच्छा लगता होगा इनको, ऐसे भी कुछ लोग हैं। किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन किसी मंदिर में जा रहे हैं, या वो जिस भी शक्ति को मानते हैं वहाँ पर जा रहे हैं, प्रे कर रहे हैं आपके लिए कि सब कुछ सही हो जाए, रिश्ता सही हो जाए। बहुत ही कम लोगों के साथ रेजोनेट करेगा। इस इंसान को डर लगता है आपसे मिलने का, डर लगता है, चाहे वो फैमिली का डर हो सकता है, चाहे किसी का तो डर है। इस इंसान को बात करनी भी है आपसे तो भी इस इंसान को डर लगता है कि दिल बहुत करता है उनका कि वो आपसे बात करे, लेकिन डर लगता है। डेस्टिनी को बहुत मानते हैं, ऐसा लगता है कि अगर आप डेस्टिनी में हैं तो आप कहीं भी नहीं जाने वाले, आप फिर लौट कर आओगे उनके पास, आपकी शादी भी हो जाएगी, सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन हाँ, आप दोनों के बीच में कोई झगड़े हुए हैं, और हो सकता है कि गलती इस इंसान की है, और शुरुआत भी यहाँ पर वैसी हुई है कि कुछ तो इनजस्टिस हुआ है आपके साथ जिसको ठीक करना सही है।
आपके साथ जस्टिस करना ऐसे इंसान को ज़रूरी भी लग रहा है। जब भी वो आपसे बात करते हैं उनको एक बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग आती है, वो खुद को हील कर लेते हैं, चाहे इनडायरेक्टली हो लेकिन आप इस इंसान को हील कर देते हो। इस इंसान के लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है ना, जैसे आप इस इंसान को हिम्मत देते हो हर वक्त और आपके पर्सन इस बात को मानते हैं, उनको ये बात पता है कि आप उनके लिए कितने ज़रूरी हो। गलतियाँ तो इंसान से होती है ना, तो कुछ गलतियाँ इस इंसान से हुई है जिसकी वजह से आप हर्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से आप दोनों दूर हो गए एक दूसरे से। तो जो गलतियाँ हुई है आपके पर्सन खुद भी इस गलतियों पर सोच रहे हैं, और ऐसा नहीं कि वो उन गलतियों को सुधारेंगे नहीं, बहुत जल्द वो उन गलतियों को सुधारना चाहते हैं, क्योंकि इमोशन खुद भी आपके पर्सन हो रहे हैं आपके लिए। ऐसा नहीं कि आप इमोशन हो रहे हैं और वो आपको मिस नहीं कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर उनकी कुछ गलतियाँ हुई है तो वो मानेंगे, लेकिन उनका ऐसा मानना है कि जो गलतियाँ उनकी नहीं हुई है आप उन गलतियों के लिए उनको ब्लेम नहीं कर सकते, वो उन गलतियों के बारे में बोलना चाहते हैं। तो ये कुछ हाल उनका है जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, फटाफट आपको लाइक करना है। क्या एनर्जी मिलती है देखते हैं। ओके, तो सबसे पहला ही कार्ड द हर्मिट का है। यहाँ पर देखो, मैंने पहले बोला ना कि इसकी गलतियाँ ज़रूर हुई हैं, लेकिन ये इंसान बहुत ज़्यादा गहराई से उन गलतियों पर सोच रहा है। नंबर 9 आपके लिए खास हो सकता है। यहाँ पर सबसे पहले ही कार्ड ने बता दिया कि आपके पर्सन किसी किसी के लिए इंसान आइसोलेशन में है, अकेले रहना पसंद कर रहे हैं। तक वो सीरियस नहीं थे लेकिन अब वो इस रिश्ते को लेकर सीरियस हो रहे हैं। हो सकता है कि अकेले में टाइम स्पेंड करना आपके पर्सन पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उनको वक्त चाहिए आपके बारे में सोचने के लिए, खुद के बारे में सोचने के लिए, इस रिश्ते के बारे में सोचने के लिए। वर्गो राशि हो सकती है आपके पर्सन की किसी किसी के लिए। और देखते हैं, ओह माय गॉड, देखो मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान ने धोखा तो दिया है, इतना पीठ में खंजर खोप दिया है किसी किसी के लिए। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि जैसे आपने ये सोचा नहीं था जब आप इस रिश्ते में गए थे ना, आपने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, लेकिन हुआ। लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी है यहाँ पर, तभी तो रीडिंग की शुरुआत ऐसी हुई है ना, क्योंकि ये धोखा हुआ है, पेट में खंजर खोप दिया है। किसी किसी के साथ ये रेजोनेट करेगा, और अब वो इंसान खुद की गलतियों पर बहुत गहराई से सोच रहा है, बहुत ज़्यादा। देखो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है, हो सकता है इसको बहुत ज़्यादा आपके ऊपर पावर चलानी है, इसको हर वक्त दिखाना है कि वो कैसे ग्रेट है। पास्ट में जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ गलत किया है, जैसे कि इंसान आइसोलेशन में चला गया है, बार बार उन्हीं बातों के बारे में सोच रहा है, और जैसे ही खुद पर गुस्सा है, खुद पर ही नाराज़ है। कुछ लोग आप ऐसे हो सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कुछ ड्रामा किया है आपके पर्सन ने, ताकि वो आपको हर्ट कर सके, आपको परेशान कर सके। ऐसा हुआ है पास्ट में, के साथ जो गलत किया है उसको उसका कर्मा मिल चुका है। आपने इसका बुरा नहीं किया था, फिर भी इसने आपका बुरा किया, तो कर्मा आज आपके साइड में है। बहुत जल्द न्यू साइकिल शुरू होने वाली है, और आपके लिए भी गाइडेंस है कि जो आपने पास्ट में एक्सपीरियंस लर्न किए हैं, अब उसके आधार पर आपको आगे डिसीजन लेना है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन से आप गुजरे हो, आपने बहुत दर्द झेला है, बहुत पेन झेला है, और अभी भी जिस हाल में आप हो, अभी भी आप खुद को उस दर्द से, उस पीड़ा से हील नहीं कर पा रहे हो। तो आज आपको जो डिसीजन लेना है उस पास्ट के एक्सपीरियंस के ऊपर ही लेना है। देखो ब्रेन विथ ब्यूटी है आप, ठीक है, लेकिन फिर भी आप इस कदर इस इंसान के प्यार में खो रहे थे कि सूझबूझ जैसे कि आपने साइड में रख दी, आप गलत डिसीजन लेना शुरू हो गए, या इस इंसान की बातों में आप बुरी तरह से फंस गए। किसी किसी के साथ ऐसा रीजन करेगा, बड़े मुंहफट हो सकते हो कि जो है सच है, यही है, तो इस वजह से इस इंसान को बार बार गुस्सा भी आता है कि आप मुंह पर बोल देते हो, ठीक है। कुछ लोगों को आदत होती है कि वो पीठ पीछे चुगली करते रहते हैं, सामने आकर कुछ बोलने की उन्हें हिम्मत नहीं होती है, और आप ऐसे व्यक्ति हो जो बोलना है मुंह पर बोल देते हो, सीधा मुंह पर बोल देते हो, तो इस इंसान को आपकी आदत बहुत ज़्यादा खटकती है। बहुत इमोशंस में बहते चले गए आप, खुद को ज़रा इमोशन से डिटैच करना पड़ेगा आपको, थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। आप चाहते हो कि इस इंसान ने सच बोलना चाहिए, इसने जो आपके पीठ में खंजर खोप दिया है, आप पूछोगे भी नहीं, आप सवाल भी नहीं करोगे इससे, तो फिर गलत है कि कोई आपके पीठ में खंजर खोप रहा है, कोई आपके साथ गलत कर रहा है, और आप सवाल भी ना पूछे, और अगर आप सवाल पूछे तो फिर से वो झगड़ा करेगा, फिर से वो आपको ही डांटेगा, ये तो गलत है ना। फिर हो सकते आप सवाल कर रहे हो, आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है जो आपके साथ गलत हुआ,
कोई अगर आपके साथ बुरा कर रहा है तो आप बर्दाश्त कैसे कर सकते हो? आप पेन में हो, आप तकलीफ में हो, तो दिल में इतना दर्द उठा है आपके, तो जिसने आपके साथ, वो कोई भी हो सकता है, चाहे किसी के लिए आपका पर्सन है चाहे कोई और है, जिसने भी आपके साथ गलत किया है उसके लिए कड़वी बातें तो निकलेगी आपके दिल से, किसी किसी के लिए जैसे कि आपके दिल से एक हाय निकल रही है, और टूटे हुए दिल की हाय, ऐसी हाय निकलती है ना कि पूछो ही मत। किसी की दुआ लेनी चाहिए, किसी की बद्दुआ लेकर इंसान क्या करेगा? हो सकता है कि इस इंसान ने आपकी बद्दुआ ली है या किसी और ने आपकी बद्दुआ ली है। वालों के साथ, दोस्तों के साथ थोड़ी थोड़ी बातें कीजिएगा ताकि आपके मन का दुख है वो हल्का हो जाए। तो ये कुछ गाइडेंस यहाँ पर आई है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते अगले रीडिंग में, तब तक के लिए।